Hello friends, welcome back to my cookie spot and lifestyle. फ्रेंड्स आज हम ये न्यूट्रिला पुलाव बनाएंगे जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे लंच में भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। इसके साथ आप दही, पापड़, चटनी, सैलेड सर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूट्रिला पुलाव बनाने की रेसिपी। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। न्यूट्रिला पुलाव बनाने के लिए हमने 2 कप न्यूट्रिला को, ये छोटे वाले मिनी न्यूट्रिला चंक्स आते हैं, उनको गर्म पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और 2 कप बासमती चावल, इन्हें भी पानी में भिगो के रखा है, जिससे बहुत ही जल्दी पुलाव तैयार हो जाएगा और बिखरा बिखरा बनेगा। अब हम इस भीगे हुए चंक्स को पानी से निचोड़ करके इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए जितना इसका पानी है, इसे निचोड़ करके निकाल लेंगे। अब एक साइड में रख लेंगे इनको। अब एक कुकर में हम 2 बड़े चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम उसमें ये खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने तेज पत्ता डाल दिया, 2 छोटी हरी इलायची, 2 बड़े इलायची डोड़ा जिसे कहते हैं, 4-6 लौंग, 8-10 काली मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे करीब। सारे खड़े मसाले हमें भूनने हैं। अब हम हरी मिर्ची डालेंगे। 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक काटा है और ये 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। हरी मिर्ची और अदरक का तीखापन बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये पानी से निकाले हुए सोया बड़ी घी में डाल करके भूनेंगे। पानी निकाल लिया है हमने, एकदम ड्राई हो गई है वापस से भीगी हुई सोया बड़ी, और इन्हें हम घी में अच्छे से भूनेंगे। न्यूट्रिला पुलाव घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। घी में सोया बड़ी बहुत अच्छे से भून गई हैं, ये देखिए एकदम लाइट ब्राउन हो रही हैं। अब इसमें हम ये भीगे हुए चावल डाल देंगे, पानी से निकाल करके रखे हैं हमने, 2 बार पानी में साफ करके 15-20 मिनट के लिए हमने ये चावल भिगोए थे। ये बासमती चावल है, पुलाव के लिए स्पेशल जो लंबा चावल आता है वो चावल डाल देंगे। अब चावल डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को भी हम 1-2 मिनट के लिए घी में इस तरीके से भून लेंगे। चावल भी घी में अच्छे से भून गया है और न्यूट्रिला के साथ पूरा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, इसमें सारे मसाले हैं। अगर आप चाहें तो काली मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने खड़ी काली मिर्ची डाली है और हरी मिर्च डाली है, इसलिए हम काली मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं। और गरम मसाले में सारे मसाले मिक्स हैं, इन सबको भी एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक और गरम मसाले भी मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो ये देखिए हम करीब 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ये 2 कप चावल हैं। और ऐसे अंदाज देखें तो चावल सारा पानी में भीग गया है और सिर्फ एक जो उंगली की पोर होती है इतना ही पानी है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना वो गीला हो जाएगा। हमने चावल को पहले भिगोया है तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा और पानी भी कम लगता है भीगे हुए चावल में, वो ऑलरेडी पानी में भीगा हुआ था पहले से, तो अच्छे से नरम हो जाता है। अब हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और 1 सीटी होने के बाद बंद कर देंगे।
ये देखिए, एक सीटी के बाद हमने बंद किया और सारी की सारी भाप निकल गई है। अब हम कुकर खोलेंगे। वाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, हमारा पुलाव एकदम बिखरा बिखरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। पूरा पुलाव पक गया है और अब इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। तो अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद है, तो थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल लेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। हम ये न्यूट्रिला पुलाव प्लेट में सर्व करें। आप इसके साथ अचार, दही, पापड़ जो घर में पसंद करते हैं साथ में सर्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से हम ऊपर से भी छिड़क देंगे। ये देखिए, हमारा न्यूट्रिला पुलाव रेडी है। आप इस रेसिपी से न्यूट्रिला पुलाव ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।